जय माता दी दोस्तों, शुभ प्रभात जी। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों अभी मैं चामुंडा माता मंदिर देवी कोठी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप माता रानी का भवन देख सकते हैं। और आप जानते हैं वैशाख का महीना चला हुआ है, साथ ही में नवरात्रे भी चले हुए हैं, तो इस टाइम पे आने का मौका मुझे मिला है। और आज का जो यहाँ पे दिन है बहुत ही ज़्यादा खास है। आप जानते हैं कि वैशाख के महीने में माता बैरवाली अपनी बहन चामुंडा माता से मिलने के लिए चंबा को प्रस्थान करती है। आज रविवार का दिन है, 14 अप्रैल है। आज के दिन माता रानी अपनी बहन से मिलने के लिए देवी कोठी से प्रस्थान करेगी। और ये जो दोस्तों पूरी यात्रा रहेगी, ये मैं आपको वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी यहाँ पे श्रद्धालु भी काफी ज्यादा आ चुके हैं, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहेगा। और साथ ही में अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए आपको मैं सुबह के माता रानी के दर्शन कराता हूँ।
अभी तक जैसे कि दोस्तों आपने देखा, माता बैरावाली अपनी बहन चामुंडा माता से मिलने के लिए चंबा को रवाना हो चुकी है। और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रास्ते कितने ज़्यादा खतरनाक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, काफ़ी पथरीले और ख़तरनाक रास्ते रहते हैं, देख सकते हो। ऐसे रास्तों से होके हमें गुजरना पड़ता है। आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ आगे जाके। रास्ते कुछ इस प्रकार से हैं, पैदल यात्रा होती है आप जानते हैं, इसलिए समय भी लगता है और ऐसे रास्तों से भी गुजरना पड़ता है। मौसम आज बिल्कुल मस्त हो रखा है, बादल छाए हुए हैं, यानी कि गर्मी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे रास्तों से माता प्रस्थान करती है चंबा के लिए। ये देख सकते हो नीचे गहराई का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं।
अभी दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं माता रानी जो है मेन बाजार भंजराड़ू में पहुंच चुके हैं, और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ढोल नगाड़ा बज रहे हैं। चलिए आगे भी आप बने रहेगा वीडियो के साथ, आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा।